Hey guys, welcome back to another video. जी हाँ दोस्तों, आज एक फिर से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे आ गया जिसका नाम है डेल वॉस्ट्रो 3515. बेसिकली दोस्तों इसका जो लोअर वेरियंट था ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया, लेकिन इसी सेम मॉडल में दो तीन वेरियंट बेसिकली डेल लॉन्च करता है. एक AMD एथलॉन के साथ आता है, एक AMD राइजन के साथ और एक AMD राइजन 5 के साथ. तो फाइनली मेरे पास जो हाथ में प्रोडक्ट है दोस्तों, वो बेसिकली राइजन 5 वाला वेरिएंट है. तो आज हम इसी की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या बॉक्स कंटेंट हमें देखने को मिलता है और ओवरऑल कैसा दिखता है प्रोडक्ट. तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं. अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसको पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 65 वॉट का आपको AC अडाप्टर देखने के लिए मिलेगा. और इसके पिन की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी स्मॉल पिन अडाप्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसी अडाप्टर को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको इंडियन स्टाइल में पावर केबल देखने के लिए मिलती है. साथ ही दोस्तों इसके कलर की बात करें तो कलर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है, काफ़ी नया कलर है, क्योंकि अभी इस कलर में कोई भी डेल के पास ऑप्शन नहीं था, बट अभी डेल ने फाइनली इस कलर में इस लैपटॉप को लॉन्च किया है. अगर आप लैपटॉप के बैक साइड एरिया देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चार रबर के रिप देखने के लिए मिल जाएंगे लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आपको स्पीकर के ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाएंगे. और यहाँ पे इसका एयर वेंट है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा एयर फ्लो इस लैपटॉप को मिलता है. यहाँ पे कुछ डिटेल डेल ने मेंशन की हुई है और यहाँ पे वस्त्रों का बैचिंग आपको देखने के लिए मिलेगा. साथ ही दोस्तों अगर इसके हिंचेस की बात करें तो हिंच काफी सॉलिड लगे और डेफिनेटली ये यूनिक डिजाइन आपको हिंच देखने के लिए मिलता है. साथ ही दोस्तों अगर बात करें इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और एक आपको चार्जिंग का पोर्ट देखने के लिए मिलेगा और एक इसी के साथ डेल ने यहाँ पे LED इंडिकेशन टोन भी दिया हुआ है. USB पोर्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दो USB पोर्ट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने के लिए मिलते हैं. अगर आप राइट हैंड साइड के पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक टेबल का लॉक देखने के लिए मिल जाता है. यहाँ पे एक टेबल का लॉक आपको देखने के लिए मिलेगा, एक हेडफोन जैक आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, जो अभी लैपटॉप में नहीं है लेकिन इस मॉडल में ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको लैन पोर्ट भी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरनेट की केबल से इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं. एक USB पोर्ट आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे काफी लार्ज साइज का कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. अगर कीबोर्ड एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो काफी अच्छा यहाँ पे कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है और ये फुल साइज कीबोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ये नंबर्स की भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी. और डेल का एक यूनिक कीबोर्ड में फीचर आता है दोस्तों, ये कैलकुलेटर बिल्ट इन यहाँ पे की आपको देखने के लिए मिलती है, तो अगर आप कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ ज्यादा वर्क करते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलने वाला है. और साथ ही दोस्तों अगर इसके यहाँ पे जो कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये बैकलिट कीबोर्ड है, तो आप अगर इवनिंग में बैठ के कोई काम करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. साथ ही यहाँ पे ब्राइटनेस की कीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, प्लस और माइनस की. और अगर ट्रैकपैड एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो ये इस मॉडल में काफ़ी इंप्रूव किया है. यहाँ पे जो ट्रैकपैड आपको मिलता है ये बेसिकली ग्लास का ट्रैकपैड है, तो और ये बेसिकली प्रिसीजन ट्रैकपैड को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे फील होने वाला है. साथ ही दोस्तों अगर इसके इंटरनल यहाँ पे बॉडी की बात करेंगे, तो ये बेसिकली हल्के से स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेगा, तो ये स्क्रैच रेसिस्टेंट बॉडी है. साथ ही यहाँ पे आपको राइजन का बैचिंग देखने के लिए मिल जाता है, ये राइजन प्रोसेसर के साथ है. यहाँ पे आपको AMD का वेगा ग्राफिक्स का भी स्टिकर यहाँ पे डेल ने मेंशन किया हुआ है. साथ ही दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको फुल HD स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी. और इसका जो अगर रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, ये फुल HD स्क्रीन है, साथ ही एंटी क्लियर कोडिंग भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने के लिए मिलती है. अगर डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा और 45% NTSC कलर गैमेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. साथ ही दोस्तों अगर इसके लिड के ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक आपको कैमरा सेक्शन मिल जाएगा. अगर कैमरे के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पे आपको 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा, एक बिल्ट इन आपको LED इंडिकेशन मिल जाएगा और एक माइक्रोफोन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. और ये जो डिस्प्ले दोस्तों, ये टू साइड बिजलेस है, काफी छोटे छोटे आपको बिजल्स देखने के लिए इस स्क्रीन में मिलते हैं. मैं एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो सैंपल रन कर देता हूँ दोस्तों, इससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी है.
ऑलराइट दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे AMD ने इस मशीन को डिजाइन किया और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया है हमने वो Ryzen 5 है, 3500U आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4 कोर 8 थ्रेड और 4 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। अगर इसके गीगाहर्ट्ज़ की बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली 3.7 GHz पे क्लॉक है। साथ ही यहाँ पे आपको वेगा 8 ग्राफिक्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यहाँ पे जो हमने रैम यूज किया है दोस्तों, वो बेसिकली DDR4 टेक्नोलॉजी वाली रैम है और उसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 GB ऑफ रैम के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने 512 GB SSD भी दिया हुआ है और आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं up to 1 TB तक। साथ ही दोस्तों यहाँ पे विंडोज 11 का आपको प्री इंस्टॉल आपको विंडोज 11 देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हमने आपको MS Office 2019 का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यहाँ पे McAfee भी 15 मंथ्स का डेल ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको Wi-Fi 5 देखने के लिए मिल जाता है। मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 होना चाहिए था, बाकी अभी आपको इस मॉडल में Wi-Fi 5 का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ 4.0 का भी आपको सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके प्राइस सेगमेंट की बात करें तो डेल इसे लॉन्च करता है 46,490 रुपीज़ में, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।